हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कोचर, एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको राहु के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि राहु तंग कर रहा है, राहु कुंडली में आ गया और राहु के आने के बाद बहुत परेशानी हो रही है। तो राहु क्या है ज्योतिष में और वो क्या करता है, ये आपको थोड़ा बताता हूँ। राहु को हम ज्योतिष में एक छाया ग्रह मानते हैं, यानी कि वो कोई ग्रह नहीं है, वो एक तरह की छाया है जो कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो उस पर पड़ जाती है। राहु का ज्योतिष में बहुत महत्व है। महत्व इसलिए है कि जब भी आपके कोई बुरे कर्म जितने भी आप करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो जाकर या राहु की जब दशा आती है तो उसमें फलित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी में आपने कोई अच्छे या बुरे कर्म करे हैं और राहु का दशा अगर आपके ऊपर आएगी, तो उस अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको जाकर उस राहु की दशा में मिलने वाला है। तो राहु जो है वो बुरा तो करता ही है, पर अच्छा भी बहुत करता है। राहु जुए का कारक है, तो अगर आप जुए से धन जीतते हो, अकस्मात एकदम से आपको धन मिल जाता है, तो उसका रीज़न भी जो है वो राहु है। अगर आप स्वभाव से लड़ना चाहते हो किसी से, तो उसके लिए आपके राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे काम में हो जैसे आर्मी है, पुलिस है, तो उसके अंदर अगर मंगल मजबूत होना ज़रूरी है, तो साथ में हमें राहु का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना राहु के आप ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छे लेवल की हासिल नहीं कर सकते हो। राहु अगर बुरा है आपकी कुंडली में, राहु की दशा चल रही है, तो उसके कुछ उपाय भी वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं जो कि आप कर सकते हो। वो कुछ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी राहु की महादशा है, अगर आप ऐसा आपको है या आपको जोशी ने बताया कि आपकी राहु की दशा है, तो आप उसको ठीक कैसे करें। तो राहु के लिए जो सबसे अच्छा उपाय मुझे नज़र आता है वो ये है कि राहु के लिए आप कुत्ते जो है, डॉग है, उसकी आप सेवा करिए, उसको दूध पिलाइए, या कुत्ता आप पाल लीजिए, या आप कुत्ते को बिस्कुट खिलाइए, दूध पिलाइए। तो एक बड़ा अच्छा उपाय है जो राहु के लिए मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कुछ ज्योतिषी गोमेद बनाते हैं, पर मैं उसके खिलाफ़ हूँ, क्योंकि राहु की दशा में अगर हम गोमेद बनाएंगे तो राहु और बलवान होगा और उसको बलवान हम लोग करना नहीं चाहते हैं। कुछ पानी के उपाय हैं, लोग वो करवाते हैं, पर मैं इतने नहीं करवाता। लेड एक मेटल होता है, सुना होगा आपने, सिक्का कहते हैं उसको हिंदी में, वो पानी में परवाने का है। कच्चा कोयला तुला दान करना, कच्चा कोयला जो है वो दान करने का उपाय भी राहु का उपाय माना जाता है। इसके बाद आप जो जिन लोगों के कुछ अंग विकसित हैं, लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं, कुष्ठ रोगी हैं, उनकी सेवा करते हो, तो उससे भी राहु ठीक होता है। तिल का दान करने से भी राहु जो है वो ठीक होता है। शनि, राहु शनि की तरह बिहेव करता है, तो शनि के जो भी दान हैं वो राहु के दान भी माने जाएंगे। अगर आप काले रंग की दाल, अगर आप सरसों का तेल, तिल का तेल दान करते हो, तो राहु भी उससे आपका जो है वो शांत होगा। सबसे अच्छा उपाय जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आप अच्छे कर्म करिए। अगर राहु की दशा से पहले आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो राहु आपको कुछ भी नहीं कहेगा, राहु आपके साथ अच्छा ही करेगा। और अगर आपने बुरे कर्म कर रखे हैं, तो वो राहु की दशा में फलीभूत हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि एक आदमी बड़े बुरे कर्म करता है, पर उसके साथ कुछ बुरा होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि उसे अभी उसकी राहु की दशा शुरू नहीं हुई। अभी वो मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा और सूर्य की दशा में मज़े कर रहा है। जिस दिन उसकी राहु की दशा शुरू हो गई, तो जितने भी बुरे कर्म उसने पहले कर रखे हैं, राहु उनका फल देना शुरू कर देगा और उस वक्त उसको कोई नहीं बचा पाएगा। राहु की दशा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, डायग्नोस नहीं हो पाता। अगर आपको कोई बीमारी है और आप अगर एक्सरे कराते हो, MRI कराते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा कि आपको बीमारी क्या है। राहु जो है वो भ्रम उत्पन्न करता है, वो एक तरह का छाया है, एक जगह का माया जाल है, जो पता नहीं लगने देता क्या होगा। राहु की दशा में चोरी भी होती है, राहु की दशा के अंदर झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शांत करने के उपाय मैंने आप लोगों को बताए, तो यूजुअली आपके कर्म ही सबसे ज़्यादा प्रधान है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो राहु आपको कुछ नहीं कहेगा। मैंने यूजुअली ये देखा कि अगर 40 की दशा के बाद राहु की दशा आती है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा बुरा करने के चांसेस होते हैं। उसका रीज़न ये है कि 40 तक आप बहुत अच्छे और बुरे दोनों कर्म कर चुके होते हो, और राहु की महादशा जो 18 साल चलेगी, वो आपको उसका फल देगी। यंग जनरेशन के अंदर, यंग एज के अंदर अगर वो आता है स्कूल टाइम के अंदर, तो इतना बुरा नहीं करता। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े आप कर सकते हो, या थोड़ी बहुत ये दिक्कत आ सकती है। राहु किन घरों में अच्छा है ये बता दूँ,
थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा मानते हैं, पराक्रम स्थान है। लड़ने के लिए आपको अच्छा ग्रह नहीं चाहिए, लड़ने के लिए आपको बुरा ग्रह कहो या बलवान ग्रह या क्रूर ग्रह जैसे कि राहु है वो चाहिए, तो थर्ड हाउस में पराक्रम स्थान में राहु बहुत अच्छा है। छठा घर जो है वो शत्रु स्थान है, बीमारियों का घर है, उसमें भी राहु बहुत अच्छा है। राहु अगर उस घर में होगा तो आपको वो बहुत अच्छा फल देगा, आपको शत्रुओं से विजय दिलवाएगा। राम भगवान की कुंडली के अंदर छठे घर में राहु था और ज़िंदगी में कभी किसी से हारे नहीं। तो ये राहु के बारे में कुछ बेसिक आपको बताया मैंने, आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने इसके वीडियो के लिंक में दे दिया है। थैंक यू सो मच।